नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। शामली पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शामली पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट करने वाले दो शातिर बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूट की रकम सहित भारी मात्रा में अवैध असलहा व चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जनपद शामली के कांडला थाना क्षेत्र में देर शाम एलम से नाला जाने वाले रोड पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो पैसे लेकर घर जा रहे थे। दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा उनका थैला तमंचा दिखा के उनसे छीन लिया गया और जिसमें 30,000 रुपये थे, जिसकी सूचना उन्होंने डायल 112 नंबर पे दी। उस सूचना के बाद से तत्काल जो है पूरे ज़िले में वो मैसेज फ्लैश कराया गया और चेकिंग प्रारंभ की गई। ऑलरेडी पुलिस अलर्ट मोड में थी, कई जगह जगह चेकिंग हो रही थी आज, और एसओ कांधला और उनकी टीम द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया, चेस किया गया और इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए जब उसको घेरा गया, उस दौरान उन बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों जो है लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। इन दोनों के पास से जो बुजुर्ग व्यक्ति था उन्होंने छीना था वो थैला बरामद किया पुलिस ने, जिसमें पूरे 30,000 रुपये उनके रिकवर हुए हैं तथा बुजुर्ग का आधार कार्ड भी उसमें था। इसके अतिरिक्त उन दोनों के पास से दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस व खोखा भी बरामद हुआ है तथा वो मोटरसाइकिल HF डीलेक्स जो उन्होंने उनके द्वारा चोरी किया हुआ बताया गया है मेरठ में, वो भी बरामद किया गया है और उन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो प्राथमिक पूछताछ इनसे की गई है, दोनों अभियुक्तों का नाम कपिल है। एक कपिल है चरथावल का रहने वाला, जनपद मुजफ्फरनगर का। जो दूसरा अभियुक्त है उसका भी नाम कपिल है, वो कुड़ाना जनपद शामली का रहने वाला है। ये दोनों जो है पूर्व में भी लूट के, चोरी के तथा गैंगस्टर के मुकदमे में जेल जा चुके हैं, शातिर अपराधी हैं और दोबारा इनके द्वारा ये घटना कारित की गई, जिसपे तत्काल कांधला पुलिस द्वारा तत्काल सराहनीय कार्य करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई। इस सराहनीय कार्य के लिए मेरे द्वारा कांधला पुलिस को और उनकी टीम को 25,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया जाएगा।